नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। प्रमुख विद्युत इंजीनियर के निरीक्षक के सभी कार्य मानक के अनुरूप कीड़ापुर बिल्थौड स्टेशनों के मध्य दूरीकृत लाइनों के साथ विद्युतीकरण कार्य पूर्ण। प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल द्वारा विद्युतीकरण का संरचना परीक्षण किया गया। कीड़ापुर बिल्थौड के बीच पूरी गति से विद्युत इंजन से होगा गति परीक्षण, रेलवे ने किया सावधान। खबर जनपद बलिया के बिल्थौड से। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन, परिचालन की सुगमता एवं गाड़ियों के अधिक गति देने के साथ मूलभूत ढांचे में विस्तार के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के भटनी और यहाँ रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत कीड़ापुर बिल्थौड स्टेशनों के मध्य दोहरीकृत लाइनों के साथ विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल द्वारा विद्युतीकरण का संरचना परीक्षण किया गया। इस संरक्षा निरीक्षण के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक SPS यादव, वाराणसी मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक रोशन लाल यादव, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर RN सिंह, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर पंकज केशरवानी सहित वाराणसी मंडल के संबंधित शाखा अधिकारी, रेल विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियर कर्मचारी एवं वाराणसी मंडल के वरिष्ठ पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ने विद्युतीकरण के संरक्षा निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले बिल्थौड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युतीकृत रेल खंड के मानक के अनुरूप यार्ड प्लान, न्यूट्रल सेक्शन, पावर सब स्टेशन, स्टेशन वर्किंग रूल, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, प्वाइंट क्रॉसिंग, सिग्नलिंग, अर्थिंग ट्रैक, ओवरहेड ट्रैक्शन की ऊंचाई, ब्लैक ओवर लैम्प, फॉलिंग मार्क, सैंड हम्प, फीडर पावर सप्लाई वितरण प्रणाली तथा नियंत्रण फीडर आइसोलेशन आदि की संरचना परखी। तदुपरांत प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ने कीड़ापुर बिल्थौड खंड ब्लॉक सेक्शन के निरीक्षण के लिए टावर वैगन से रवाना हुए। ब्लॉक खंड में पड़ने वाले सब स्विच प्वाइंट का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने ब्लॉक सेक्शन ट्रैक्शन एवं ओवरहेड लाइन क्रॉसिंग का परिमापन किया और ट्रैक्शन लाइन से हाई टेंशन पावर लाइन की मानक दूरी सुनिश्चित की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रेल खंड पर पड़ने वाले संपार फाटकों पर दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के अनुरूप किए गए बदलाव का निरीक्षण किया और विद्युतीकृत सेक्शन में उपयोगी सेफ्टी उपकरणों की जांच की, साथ ही गेटमैनों के सेफ्टी टूल्सों को परखा। निरीक्षण के क्रम में वे टावर बैगन से कीड़ापुर बिल्थौड एवं मध्य में पड़ने वाले गोविंदपुर दुर्गौली हाट स्टेशन पर विद्युतीकरण के मानकों का गहन परीक्षण किया। तदुपरांत वे कीड़ापुर स्टेशन की ओर बढ़े, जहाँ उन्होंने खंड में पड़ने वाले विद्युतीकृत स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार लाइन फिटिंग्स एवं उपकरणों की जांच की। साथ ही सेक्शन में पड़ने वाले कर्वेचरों, ट्रैक्शन लाइन की ऊंचाई एवं त्वरण का मापन किया और मानक के अनुरूप ट्रैक्शन लाइन से स्टेशन एवं सिग्नलों की सुरक्षित दूरी एवं उपकरणों का संस्थापन सुनिश्चित किया। निरीक्षण के अंत में प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर कीड़ापुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और उन्होंने विद्युतीकृत रेल खंड के मानक के अनुरूप यार्ड प्लान, न्यूट्रल सेक्शन, पावर सब स्टेशन, स्टेशन वर्किंग रूल, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, प्वाइंट क्रॉसिंग, सिग्नलिंग, अर्थिंग, ओवरहेड ट्रैक्शन की ऊंचाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एवं विफलता की स्थिति में उपयोगी फेल सेफ कार्य प्रणाली देखी। उक्त रेल खंड पर निरीक्षण करते हुए प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ने ब्लॉक सेक्शन में संपार फाटकों से ओवरहेड की उचित दूरी, कर्वेचर में इडेंट, पुल पुलियाओं तथा ब्लॉक सेक्शन में विद्युतीकृत स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार लाइन फिटिंग्स, ब्लास्टिंग एवं पैकिंग, कर्वेचर पर क्लियरेंस तथा विद्युतीकरण के अनुरूप संपार फाटकों, बूम लॉक व हाइट गेजों के संस्थापन सुनिश्चित किया। दोरीकृत रेल खंड के विद्युतीकरण के मुताबिक विकसित विभिन्न कार्यों का निरीक्षण में सभी कार्य मानक के अनुरूप पाया। कीड़ापुर बिल्थौड के मध्य दोरीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरांत कल 27 जून को रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वी सर्किल प्रणजीव सक्सेना द्वारा मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विनीत कुमार के साथ इस खंड का संरक्षा निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान नए रेल खंड पर पूरी गति से विद्युत इंजन से गति परीक्षण किया जाएगा। अतः कीड़ापुर, गोविंदपुर दुर्गौली हाल्ट, बिल्थौड रेल खंड के आसपास की जनता से रेल प्रशासन अपील करता है कि वे CRS के निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल के दौरान इस रेल खंड से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने बच्चों एवं पशुओं को रेल ट्रैक के नजदीक न आने दें, यह खतरनाक हो सकता है। यह जानकारी अशोक कुमार, जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी ने दी है। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।